एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग टाइम्स ऑफ तरुण से मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? हम एकदम बढ़िया हैं और आज हम आए हुए हैं पिपरिया। मौसम जो है बरसात का बना हुआ है, एकदम ठीक नहीं है, मतलब कभी भी बरसात हो सकती है। दो दिन से जो है हल्की हल्की हो रही है, कल रात को ही थी और अभी तो नहीं हुई, लेकिन मौसम है बरसात जैसा। और हम आए हुए हैं फिलहाल में वो जो अपना हवा महल गिर गया था उसके लिए, टीन लेने के लिए। तो अभी देखते हैं पिपरिया का जो मंजर है बहुत खतरनाक है भाई, मतलब पब्लिक जो है ना एकदम मक्खी के माफिक उभरी हुई है। तो चलिए देखते हैं जरा, पब्लिक भी देख लेते हैं आज पिपरिया की। साहब इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम जो है पिपरिया से वापस आ चुके हैं अपने घर से खेत, पहले घर और उसके बाद पहुंच चुके हैं खेत। और ये आ गया अपना सामान, जो कि वो अपना जो हवा महल है वो गिर गया था उसमें लगने वाला है। बाकी उसका आधा काम तो हो गया है और आधा काम उसका सही है, बस इसकी फिटिंग करवाना बाकी है। अभी जो आपने पिपरिया का मंजर देखा तो भाई साहब हाथों को एकदम मस्त जबरदस्त, लेकिन अपन ना ट्रैक्टर से उतरे नहीं नीचे और मार्केट देखने के लिए गए नहीं। यदि वहाँ पर जाते ना तो वहाँ पर जो पब्लिक होती उसका जो मंजर होता ना वो एकदम दिल खुश कर देने वाला होता भाई साहब, इतनी भीड़ होती। और स्वाभाविक होनी भी चाहिए भीड़, क्योंकि किसी की शादी है तो किसी का घर टूटा पड़ा है, तो किसी को कोई सामान लेना है, तो मान लीजिए अपने को ये टीन लेने थे, ऐसे हर व्यक्ति को किसी न किसी को कुछ ना कुछ लेना है। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और पब्लिक जो है एकदम रास्ते पर इस तरीके से आ गई, पूछिए मत। तो बाबू ऐसा है कि पिपरिया की जो स्थिति है वो तो एक बार फिर से बिगड़ेगी, ये तो तय है, लेकिन उस कदर नहीं बिगड़ेगी जिस कदर अभी इस दशा में बिगड़ी थी, उससे ना ज़्यादा बिगड़ने वाली। वो जितनी लापरवाही ये जो अभी करते हैं ना, इसका जब परिणाम होता ना वो बाद में पता चलता है। दरअसल आज अभी कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, सब कोरोना कोरोना के चक्कर में लगे हुए हैं, कैसे भी कुछ भी कोरोना कोरोना। फर्क उसको पड़ता है जिसको कोरोना होता है, बाकी घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को 1% का कोई लेना देना नहीं है। तो अब जरूरत यह है कि आपको ना अपनी सेहत का डबल ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब लोग तो भेड़ चाल चल ही रहे हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको अब डबल जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। वो एक कहावत है ना, कौन सी कहावत है कि यदि रास्ते पर कंकड़ हो तो पूरे रास्ते में कालीन बिछाने से बेहतर है कि अपने पैरों में चप्पल पहन ली जाए। बस वही कर लीजिए भाई साहब, दूसरे को ना मार्गदर्शन सलाह देने की जरूरत नहीं है, अपना वाला है तो आप समझा सकते हैं। बाकी तो मंजर देखने के बाद जो है अपन समझ चुके हैं कि अब कुछ होने वाला है नहीं। वैक्सीन लोग लगवा नहीं रहे, नहीं लगवा रहे तो बढ़िया है, अपन भी लगवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो माहौल है ना गर्मी का, जैसे ये कम हो जाएगा जब अपन वैक्सीन लगवाएंगे और थोड़ी सी जब बरसात स्टार्ट हो जाएगी, ये जो गर्मी है अभी नौ तपा रोहिणी सब कुछ, और इस वक्त तो मौसम का जो मिजाज है वो ही बदला हुआ है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले नीचे और दिखा देते हैं यार क्या क्या काम हो गया है और क्या क्या होना है, और थोड़ा सा उनका भ्रमण कर लेते हैं और जो भूई दादा के यहाँ पर जाकर दो मिनट का विश्राम और उसके बाद वापसी घर के लिए। तो चलते हैं फिर फिलहाल में। तो भाई साहब ये तो आ चुके हैं गेड़े लकड़ी के जो कि इसके ऊपर लगने वाले हैं, और ये जो आप देख रहे हैं एकदम पतला सा टीन, एकदम छोटा सा, ये ना यहाँ पर लगेगा एकदम बीचों बीच। और ये जो टीन आप देख रहे हैं ये इसका कुछ मेजान बनाएंगे, अभी मिस्त्री आएंगे कल, हमारे दिन्नू भाई जो हैं इस वक्त अपने कार्य में लगे हुए हैं, हालांकि हम भी अपना ही कार्य कर रहे हैं। ये जो है एक बार जब अपन आए थे तो इसको एकदम पक्का करके चले गए क्या बॉस, और ये इसको पक्का कर दिया पूरा, और ये एक खम्मा इसको पूरा पक्का कर दिया, मतलब सब कुछ बढ़िया। ये जो है यहाँ से क्रैक हो गया था लाते वक्त, यहाँ से इसको इतना पूरा कर दिया। तो
अब ये जो है ना एकदम मजबूत है, तो इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और लाइट तो अभी है की क्या स्थिति है बॉस, अभी ये देखो जले पड़े आधे ज्यादा, इनमें पानी लगने के बाद ना इनकी स्थिति खराब हो जाती है। तो ये भी अपन जो है लेकर आ गए, इनका काम तो हो चुका है खत्म, अब इसको ना एक सा कर देंगे मिलाकर सब कुछ बढ़िया। और ये जो जरूरत के हैं इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, अब ये इनको लगाने का समय है। हालांकि ये गर्म जरूर होंगे गर्मी में, लेकिन ठीक है, इसका दूसरा विकल्प निकालेंगे। और वो विकल्प तो हम जानते हैं, वो रहा अपना स्थान बैठने का, कितना बढ़िया पेड़ है। और पेड़ों को लेकर एक चीज़ याद आई, चलिए कैमरा थोड़ा सा घुमाते हैं, मूंग तो अपनी आ चुकी है, बैठने के लिए बिस्तर है, सब कुछ है। हाँ तो भाई ऐसा है कि अभी तक 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन बहुत लोगों ने पेड़ लगाए, और क्या पेड़ लगाए भाई साहब, 10-10 लोगों ने एक एक पेड़ को यूं पकड़ा, और उसके बाद जो सेल्फी ली और जो स्टेटस पे लगा है वो देखने के बाद ना पर्यावरण संरक्षण का और विश्व पर्यावरण दिवस का जो दिन था ना वो एक नंबर गुजरा लोगों का। अपना तो नहीं बॉस, अपन ना इस तरीके का काम नहीं करते, बचाना है तो बचाना, नहीं बचाना तो नहीं बचाना, खत्म कहानी, थोड़ा सा अलग है अपना शेड्यूल। फिलहाल में अपनी जो मूंग है ना वो कम्प्लीट हो चुकी है, बस देखना है क्या, चलो दिखा देते हैं। तो भाई ऐसा है कि हमारे जो दिन्नू भाई हैं उनका कहना है कि अब निकलना होगा हमें घर, क्योंकि हम निकले हैं सुबह 9 बजे के, और सुबह तो नाश्ता कर लिया था जिसके कारण जो है ना रास्ते भर झोंके आई हूँ, उबासी उबासी, हालांकि ट्रैक्टर हमें ही चलाना पड़ा और अभी फिलहाल में कोई है नहीं, और दिन्नू भाई को जो है ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, तो सिखाना पड़ेगा इनको ट्रैक्टर चलाना, सीखो सीखो एरोप्लेन, तुम्हें एरोप्लेन चलाओ उसे कहें, तो इनको जो है ट्रैक्टर चलाना इस बार क्या सिखाना पड़ेगा। बाकी ये सब कर लेते हैं, बस केवल ट्रैक्टर नहीं चला पाते हैं, ये जो है ना इसमें इनका बनाने का पूरा योगदान रहा भाई साहब, पूरी तैयार कर दी इन्होंने। अभी टीन लेने गए थे जब भी ये गए थे साथ में, तो आज का जो कारवां है ना वो यहाँ पर फिलहाल के लिए तो समाप्त होता है। अभी घर जाने के बाद यदि कोई योजना बनती है, कोई प्लान बनता है, तो उसको रूबरू कराएंगे वहाँ। फिलहाल में चलते हैं घर, तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। यदि ब्लॉग बढ़िया लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने सुझाव देने के लिए आप कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भर सकते हैं भाई साहब, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।